अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम क्या चीज सीख रहे हैं, दो पॉलिनोमियल्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। तो आप एक रफ कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं, इधर एक्स क्यूब लिखिए और उसके नीचे लिखिए एक्स स्क्वायर, इन दोनों को कैंसिल करेंगे, इसकी पावर खत्म हो जाएगी एक्स। ये जो एक्स आया है इससे आपको एक्स स्क्वायर माइनस टू से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, और से देखिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, और ये टू से मल्टीप्लाई होगा तो टू एक्स। किसी को यहाँ कुछ पूछना है तो माइक खोले, फौरन पहले यहीं पे पूछे, तब आगे चलता है सिस्टम। सर, इसे एक बार फिर से रिपीट एक्स क्यूब कर यानी फर्स्ट नंबर, यहाँ का फर्स्ट नंबर लीजिए और इसका फर्स्ट नंबर लीजिए, ठीक है, इन दोनों को अपॉन में लिखिए यानी डिवाइड करना सीखिए। उसके बाद जब आप कट करेंगे तो यहाँ बचेगा क्या, एक्स, जो कुछ भी बचा है उससे आपको इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया उससे, ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे किया, पहले एक्स से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बनेगा, माइनस साइन है वैसे ही रख दीजिए, एक्स को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बने, माइनस टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, ये नंबर उठा करके आपको यहां रख देना है, क्या आया है साथ में, टू एक्स, एक्स क्यूब आया है और टू एक्स है। अब टू एक्स इसके साथ मैचिंग नहीं है, इस पर पावर टू है, इसके साथ मैचिंग है, तो आप यहां रखिए, ये माइनस को यहां से हटा दीजिए, यहां लेके आइए टू एक्स। ठीक है, इसके बाद अब आप जैसा कि नॉर्मल डिवीजन में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां भी एल्जेब्रिक डिवीजन में क्या करते हैं, हमेशा नीचे वाली लाइन के साइन चेंज करते हैं। यहां पर कोई साइन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स कि प्लस है और उसको हमने माइनस किया, यहाँ माइनस साइन दिख रहा है उसकी जगह पर प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऑपोजिट साइन के नंबर हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 5x में से 2x एड ऑन हो रहा, देखिए दोनों पे प्लस साइन है तो इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, इतनी बात सबके समझ में आ गई, यस ठीक है। अब ये अगला पार्ट ये भी उतारिए, और जो बचे हुए जितने हिस्से हैं वो सब के सब यहाँ पर कॉपी किए जाएंगे उनके साइन के साथ। ये जो हमने एक्स आया था हमारा आंसर, उसको आप यहाँ रख दें, ठीक है, यहाँ पर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और ये फिर माइनस थ्री को यहाँ लेके आइए। ठीक है, अब आप कंपेयर करेंगे इसको और देन इसको, ये माइनस साइन है इसको पहले ही आपको यूज कर लेना है। अब इधर आ जाइए, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर के बचेगा माइनस थ्री। ठीक है, और आप किस चीज से किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू से, तो आपके पास माइनस थ्री आया है जवाब में, आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर को, तो डिवाइजर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आया क्या, थ्री से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो बनेगा थ्री टू जा सिक्स। ये पूरा नंबर सबके समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक। जी जी सर, खालिद, खालिद जी, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप पूछ सकते हैं जिस टाइम जहां पे जो चाहें, अगर आप नहीं बोलेंगे मैं समझूंगा आपने सीख लिया और आगे चलूंगा। जी, ठीक, अब इसको माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स को यहाँ प्लांट कीजिए, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और क्या है साथ में, प्लस सिक्स, प्लस सिक्स कहाँ पे आ सकता है, थ्री की मैचिंग में है, ठीक है, और आपके पास नंबर क्या है, माइनस थ्री, ये माइनस लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पर थ्री डाल दीजिए। ठीक है, फिर से जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, यहाँ भी साइन चेंज करेंगे,
ठीक है, ये दोनों, ये माइनस हो गया, अब ये पॉजिटिव हो गया, तो माइनस प्लस माइनस जीरो हो गया। ये सिक्स और थ्री ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा, सिक्स और थ्री नाइन, और साथ में क्या आएगा, सेवन एक्स। ठीक है, अब आप देखिए इसमें पावर टू है, इसकी डिग्री टू है, इसकी डिग्री वन है, ये छोटा नंबर है, ये अब आगे डिवाइड नहीं हो सकता। आप बड़े आराम से लिखिए, कोशेंट क्या आया है, एक्स माइनस थ्री, और रिमाइंडर क्या आया है, सेवन एक्स माइनस नाइन। किसी को कुछ पूछना है, ये आपका आंसर है, तो एज इट इज आप चाहें तो कॉपी पे नोट कर लें, फिर मैं आगे चलूं। सर वो जो आपने गलत कॉलम बनाया वो दिखा दीजिए, नोट करना है। ले लीजिए, ऐसे रिकॉर्डिंग सेक्शन में मौजूद रहेगा ये वीडियो रिकॉर्ड, इसीलिए कर रहा हूं कि आप दो बार तीन बार चार बार देख के समझ सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। सर एक मिनट इसको नोट कर लें, ये भी देखना पड़ेगा आपके क्लास में टाइम कितना भी है अपने पास, टाइम एक क्वेश्चन और कर सकते हैं आराम से। सर दोनों क्वेश्चन हो जाएगा वो जी। आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में ये वीडियो देख लीजिएगा, फिर से पॉज करके देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, अब मुझे जरा अपना वर्क बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड सेट कर लेने दीजिए, तब मैं बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को मुझे फिर से कॉपी करना पड़ेगा नए पेज पे, क्योंकि अब उस पेज में जगह नहीं बची है। तो मिनट मैं सेट कर लो, पता की देखा हूँ, दूसरा पेज यूज करता हूँ। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों के पास तो नोट होगा, मैं नोट कर लेता हूँ। जी सर, अगला क्वेश्चन है आपका। अब आपको देखिए, आप क्या करेंगे, बिग, ये छोटा नंबर है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। अब ये किस तरह का है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे आप डिवाइड करने जा रहे हैं, थ्री एक्स टू द पावर फोर प्लस फाइव एक्स टू द पावर थ्री माइनस सेवन एक्स टू द पावर टू प्लस टू एक्स प्लस टू को। आप लोग आराम से देखिए, ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि कोई मुश्किल, मुझे लगता है लैंडस्केप मोड में कर दूं इसको, ज्यादा बेहतर दिखेगा। ये और अच्छा दिखेगा, बड़ा व्यू कैप्चर करेगा, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जी सर, सबके पास नोट हो गया, सब नोट कर लीजिए अपने साथ। सर नोट कर लिया मैंने पहले। वेरी गुड, आप क्या करेंगे, यहाँ पर रफ कॉलम आपको हमेशा चाहिए होगा, एक बात याद रखिए, बगैर रफ कॉलम के। अब क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे मेरे पास जगह नहीं बची, तो मैं रफ कॉलम अब इस तरफ यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप पेज के दोनों में से किसी साइड पे यूज करें और उसके ऊपर लिखें रफ। ठीक है, रफ वर्क, ये एक आदत सी डाल लें। आप लोग बता सकते हैं कि क्या करना है मुझे, सबसे पहले 3x टू द पावर 4 को लेना है, उसको डिवाइड किससे करना है, इसका फर्स्ट नंबर एक्स स्क्वायर। आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ठीक, इसको डिवाइड करना है x टू द पावर 2 से। ठीक है,
अब इसको डिवाइड कीजिए क्या आएगा, कोई बता सकता है? एक्स स्क्वायर को कैंसिल करेंगे एक्स की पावर फोर से, तो यहाँ पावर टू बच जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड, थ्री एक्स स्क्वायर आया। ठीक है सब लोग समझ पा रहे हैं? कोई ऐसा तो नहीं कि जिसके नहीं समझ में आ रहा हो? मुदस्सिर आपको तो नहीं प्रॉब्लम है कोई इसमें? ठीक है, ईच एंड एवरीबॉडी सबको क्लियर रहना चाहिए। नहीं समझ में आया तो सर मुझे नहीं आया, मुझे फिर से बताइए। ठीक है, ये आदत डालिए। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या था कोई बताएगा मुझे? ये पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करना है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी काम है ये। और इसके मल्टीप्लीकेशन में अच्छाई ये है, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन तो हमेशा आप राइट हैंड से करते हैं, आप इसको लेफ्ट से राइट से जिधर से चाहें कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको लेफ्ट हैंड राइट हैंड की तरफ से चलते हैं। 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, खालिद बता सकते हैं क्या आएगा? 3x आएगा। ठीक है, जब किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो खुद वो नंबर आ जाता है, तो प्लस का 3x आ जाएगा। ठीक है, अब आप 3x से 3x को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? सर 3x स्क्वायर था ना, 3x से क्यों कर रहे हैं? 3 3 9, 3 3 हेलो सर जी, हेलो सर बोलिए बोलिए, आवाज आ रही। आपने 3x से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3x आया, वहां पे लेकिन स्क्वायर बेटा, स्क्वायर इस तरफ है, स्क्वायर यहाँ नहीं, यहाँ पे एक्स होता तब स्क्वायर आता। अब आएगा एक्स स्क्वायर था ना, मल्टीप्लाई जिससे कर रहे हैं आप। ओ हो, गलती हो गई, नहीं तो आपको अच्छा ये है। ठीक है ठीक है ठीक, सही है, आपने करेक्ट कर दिया। देखिए 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है गुड, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, 3 3 9 और क्या आएगा सर? 9 की पावर क्यूब, 9x की पावर 3 या 9x क्यूब। ठीक है, फिर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस का सर 3x की पावर 4। अब ये जो आपका नंबर है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? यहाँ पर बीच में प्लस लगाइए। ठीक है, इस पूरे नंबर को आप यहां सेट कीजिए। ठीक है, कैमरा थोड़ा साइड में ले जाना पड़ेगा। आप यहां पर क्या लिखेंगे, 3x की पावर 4 प्लस 9x क्यूब, जो कुछ भी आया एज इट इज लिखना है, कोई फर्क नहीं करना उसमें। ठीक है, और यहां पर देखिए ऑटोमेटिकली सेट हो गई चीजें। फिर क्या करेंगे, साइन चेंज होगा। सब्ट्रैक्ट करने पर सबसे पहला काम सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि आप साइन चेंज करें। ये नीचे वाली लाइन यहाँ पर पॉजिटिव है, इसको माइनस साइन दिखाएंगे, इसको भी माइनस साइन दिखाएंगे और इसको भी माइनस का साइन। अब यहाँ पर उनको प्लस का साइन नहीं पड़ेंगे, माइनस पड़ेंगे, तो ये दोनों तो इक्वल है, कैंसिल। ठीक है, माइनस 9 प्लस 5 कितना बचेगा? 9 में से 5 जाएगा, बचेगा माइनस का 4x क्यूब। यहां पर क्या आएगा बताइए? माइनस का 4x स्क्वायर आएगा। यहां पर आएगा माइनस का 10x स्क्वायर। ऐड करेंगे दोनों को। ठीक है, दोनों सेम साइन हो गए ना माइनस के। ठीक है, तो 10x स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जो बचे हुए हिस्से हैं वो भी एलजेब्रा में जब डिवाइड करते हैं तो सारे हिस्से नीचे उतारते, क्यों उतारते हैं पता नहीं, किस नंबर से कैसे सेटिंग आगे बने, तो इसलिए पूरा कंप्लीटली उतार लिया जाता है। ठीक है, सबके समझ में आ गया? आगे चले, हमारा रफ कॉलम अब छोटा पड़ रहा है। अब देखिए ये हिस्सा लेंगे डिवाइड में और क्या लेंगे, उसका फर्स्ट हिस्सा।
ठीक है, चलिए करते हैं। माइनस का फोर एक्स क्यूब लिया, डिवाइड किससे कर रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर से। कोई बता सकता है यहाँ पे आंसर कितना आएगा? इसको कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा माइनस का फोर एक्स। अब इसका क्या इस्तेमाल करेंगे माइनस के फोर एक्स का? हाँ क्या पूछ रहे हैं? कुछ नहीं था, समझ में आ गया। ठीक है, अब हम डिवाइजर उतार लेंगे, डिवाइजर उतार करके मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के फोर एक्स से। मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, फोर एक्स वन जा फोर एक्स। अब माइनस का साइन है तो सबको माइनस कर डालेगा वो, फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, और फिर ये माइनस का फोर एक्स की पावर थ्री। ठीक है, अब हम इसको, सबने नोट कर लिया इसे, अब इसको यहां प्लांट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेट करते हैं, इसके नीचे जैसे आया है माइनस लगेगा या फोर एक्स प्लस लगेगा? सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पर तो पहले हम लोग जो एक गलती कर रहे हैं वो ये है, पहले तो इसको नोट कर दे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अब नोट करना है तो प्लस का लगेगा माइनस का? माइनस रहेगा, माइनस है ना वहां पे। ठीक है जी सर, अब इसके बाद क्या करेंगे, पूरी पूरे का पूरा नंबर यहाँ उतार लीजिए। ठीक है, ये माइनस का ट्वेल्व एक्स स्क्वायर, और नंबर इस तरह से उतारिए कि सिमिलर नंबर्स आमने सामने ऊपर नीचे रहे। देन आफ्टर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, ब्रैकेट के अंदर रखने का ट्रेंड बनाइए ताकि ये पता चले कि चेंज करने के बाद हमने ये साइन लिया था। ठीक है, ये दोनों खत्म हो गए। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नंबर है, प्लस का ही आएगा आंसर, टू एक्स स्क्वायर। ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का सिक्स एक्स आ जाएगा और प्लस टू रहेगा। ठीक है, एक स्टेप और है फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे टू एक्स स्क्वायर को। ठीक है, यहाँ पे आइए देखिए डिवाइड कर रहे हैं हम, पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन रखिए, टू एक्स स्क्वायर को डिवाइड किया आपने एक्स स्क्वायर से तो क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझे? सर टू आएगा, हो जाएगा टू आएगा। ठीक है, इस उस टू को क्या करना है, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को यहां रख लीजिए, टू से मल्टीप्लाई कीजिए तो टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स और साथ में एक्स। ठीक है, प्लस टू एक्स स्क्वायर। किसी को कोई मुश्किल तो नहीं यहां तक? जी कोई मुश्किल नहीं सर, ये आंसर जीरो आएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब हम इसको यहां लेके आओ, वो जो टू लाए थे हम पहले, तो उसको यहां सेट कर दें प्लस का टू। ठीक है, देन यहां आइए, इसको क्या लिखेंगे, प्लस का टू एक्स स्क्वायर और प्लस सिक्स एक्स प्लस टू। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से साइन चेंज करिए। ठीक है, अब देख रहे हैं ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये सिमिलर है, ये जीरो। तो अब इसमें कोशेंट आपका क्या आया, कोशेंट किसको कहते हैं जो आंसर आता है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू, और रिमाइंडर क्या है, जीरो। ठीक है, अब इसका मतलब ये कि इसको हम और ब्रेक कर सकते हैं, अगर हम चाहें इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो आपके पास इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन मौजूद है, एक ये फैक्टर, दूसरा फैक्टर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू मौजूद है। आप इन दोनों हिस्सों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, अगर कर पाए तो। इसको करना मुश्किल है क्योंकि वन का फैक्टर थ्री नहीं बना सकता, ठीक है ना, लेकिन इसको सॉल्व करने की तरफ हम ट्राई कर सकते हैं। छोटा और करें, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू लीजिए,
ये क्या करेंगे, 3 2 6 आएगा। 6 को अगर सेट करें तो 6 को किस तरह सेट कर सकते हैं कि 4 लाएं आप, 6 को 3 2 6 है, ऐसा कोई है रास्ता आप चेक कर लीजिए। पर 6 माइनस 6 को कैसे 2 3 है, नहीं हो सकता, 4 नहीं होगा इसमें, है ना, 6 माइनस 2 किसी तरह 4 बेटा कैसे करेंगे, 3 2 6 रहेगा, 6 से 4 नहीं बनाया जा सकता तोड़ के उसे, ठीक है। 6 2 12 होता तो हो जाता, अगर यहाँ पे 4 होता या यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पे 4 होता तो फिर हो जाता, ठीक है। यानी यही हमारा प्रॉपर आंसर मौजूद है, ठीक है। तो आपकी क्लास ओवर होती है, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़। जी सर, खुदा हाफिज़।